नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज डॉट इन। गुजरात में बिहारियों के साथ हुई बर्बरता के बाद बिहार यूपी वालों का गुजरात से पलायन का सिलसिला जारी है। इसके बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि उनकी बात गुजरात के मुख्यमंत्री समेत सीनियर अधिकारियों से हुई है और ऐसी कोई बातें ना फैलाई जाए जिससे दो राज्य के लोगों के बीच का माहौल खराब हो। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम नीतीश कुमार, एक बार सुनिए। सब लोग संपर्क हैं और वहाँ भी इस तरह की चीज़ें जो हो रही है उस पर उन लोगों की भी नज़र है और ये कोशिश कर रहे हैं। हम सबसे यही आग्रह करेंगे कि जिसने कोई पहले गलती की है, अपराध किया है, उसको तो निश्चित रूप से दंड मिलना चाहिए और उस पर पूरी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उसके बारे में इस तरह की धारणा नहीं रखनी चाहिए। तो वहाँ भी इसके लिए वहाँ की सरकार पूरी सतर्क है, सचेत है और कल ही हमारी बातचीत हुई है, लेकिन हम सब लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे मसलों पर कोई ज़्यादा जिसको कहिए कि इस तरह से एक का दूसरे कुछ राज्यों के लोगों के प्रति कोई किसी तरह का ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि गुजरात के कुछ संगठनों द्वारा बिहार यूपी से वहां काम करने गए लोगों पर बर्बरता की जा रही है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, उनके घरों में घुसकर, उनके कार्य क्षेत्र में, साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी, जिसके बाद हजारों की संख्या में मजदूर जो गुजरात में काम करने गए थे वो पलायन करने पे मजबूर हैं, वापस बिहार आ रहे हैं। कई सारे आ भी चुके हैं, कुछ आ रहे हैं और जो वहां हैं वो खौफजदा हैं, डरे हुए हैं और गुजरात छोड़ने की बात कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार का यह कहना कि गुजरात के गवर्नमेंट से बात हुई है, सरकार से बात हुई है, बड़े अधिकारियों से भी बात हुई है, कहीं ना कहीं उन बिहार के लोगों के लिए राहत की खबर है जो गुजरात में रहकर काम कर रहे हैं। बहरहाल विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर गुजरात और बिहार की सरकार को घेर रहा था। तेजस्वी यादव के कई ट्वीट्स भी सामने आए थे और अब गुजरात में माहौल को हैंडल करने का आश्वासन डीआईजी भी दे रहे हैं, साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि गुजरात के सीएम से उनकी बात हुई है। बहरहाल गुजरात में जो बिहारियों पर अत्याचार का सिलसिला चला आ रहा है वो थमता है कि नहीं, यह तो आगे देखना होगा, लेकिन बिहार से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।